A very good morning to all our loving students of Growing Soul Kids Gurukul. Hope you all are doing well at home. Our lovely students, as we all know, it's time for our routine studies. So all of you, get ready. Our today's schedule, class 3rd, Vishay Hindi, Part 15, Rajkumar ko Nyay. गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूं कि आप बहुत अच्छे से आएंगे और तंदुरुस्त आएंगे और आप अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं रानी कुरेशी, आपकी हिंदी अध्यापिका। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी में पार्ट 14 तक अपना कार्य पूरा कर चुके हैं। अब हम पार्ट 15 राजकुमार को न्याय से अपना आगे का कार्य शुरू करेंगे। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए जल्दी से आप अपनी हिंदी की किताब निकालिए, फिर हम अपना आगे का कार्य शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको निकालना है पेज नंबर 134। प्राचीन काल में शुद्धोधन नामक एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। वे अत्यंत दयालु थे। प्राचीन काल का मतलब होता है पुराने समय में। एक समय की बात है, एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। वे अपने बगीचे में घूम रहे थे। मौसम बड़ा ही सुहावना था। अचानक राजकुमार के पैर के पास एक गाहल हंस आकर गिरा। उसके शरीर में तीर लगा हुआ था। वह हंस दर्द से चटपटा रहा था। चटपटाने का मतलब होता है दर्द से तड़प रहा था। उसकी छटपटाहट को देखकर सिद्धार्थ का हृदय द्रवित हो उठा। द्रवित का मतलब होता है भावुक, मतलब जिसके दिल में दया का भाव हो। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत हंस को अपनी गोद में उठा लिया और धीरे से उसके शरीर से वार निकाला और उसे अपने घर लाकर उसके घाव को धोया और उस घाव पर उन्होंने लेप लगाया और प्यार से हंस को सहलाने लगे। तभी उस हंस का शिकार करने वाला शिकारी उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया। ये कोई और नहीं था, वह शिकारी सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था। उसका स्वभाव अत्यंत कठोर था। शिकार करने में उसको बड़ा आनंद आता था। आनंद का मतलब होता है मजा आता था। उसने हंस को सिद्धार्थ की गोद में देखा तो बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मैंने मारा है, इसलिए ये मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ बोला, देवदत्त, तुमने इस निरपराध पक्षी को क्यों मारा? निरपराध का मतलब होता है निर्दोष या बेकसूर। तुमने इस बेकसूर पक्षी को क्यों मारा? मैंने इस हंस को बचाया है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये कौन बोला? ये सिद्धार्थ देवदत्त से बोला। जब इसके घाव ठीक हो जाएंगे तो मैं इसे उड़ने के लिए छोड़ दूंगा। दोनों आपस में हंस के लिए झगड़ने लगे। सिद्धार्थ ने कहा, ठीक है, हम लोग न्याय के लिए राजा के पास चलते हैं। दोनों राजा शुद्धोधन के पास पहुंचे। देवदत्त क्रोध से बोला, क्रोध का मतलब होता है गुस्से से बोला, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। न्याय का मतलब होता है इंसाफ चाहिए। राजा ने पूछा, क्या बात है? देवदत्त बोला, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है। राजा ने सिद्धार्थ से पूछा, क्या ये हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, ये हंस मेरा है, लेकिन देवदत्त तो कह रहा है कि ये हंस उसका है। ये बात राजा ने सिद्धार्थ से कही। सिद्धार्थ ने कहा, महाराज, ये सत्य है। सत्य का मतलब होता है सही है। ये सही है कि देवदत्त ने हंस को वार से मारा है, लेकिन इस हंस को मैंने बचाया है, इसलिए ये हंस मेरा है। महाराज ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर बोले, ये हंस सिद्धार्थ को दे दिया जाए, क्योंकि मारने वाले से ज्यादा हक बचाने वाले का होता है। हक का मतलब होता है अधिकार। मारने वाले से ज्यादा अधिकार बचाने वाले का होता है। सिद्धार्थ हंस को लेकर घर आ गए
और जब वे पूरी तरह से ठीक हो गया तो सुनने के लिए छोड़ दिया। यही राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा का मतलब होता है महान व्यक्ति और प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर। राजकुमार सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से मशहूर हुए। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट, आप मुझे ये बताइए, इस पाठ से आपने क्या सीखा? यस, हमने सीखा हमें भी राजकुमार सिद्धार्थ की तरह दयालु होना चाहिए और जो परेशानी में हो उनकी हमें मदद करनी चाहिए। हमें पशु पक्षियों पर हमेशा दया करनी चाहिए क्योंकि वे बोल नहीं सकते और हम उनकी भाषा समझ नहीं सकते। इसलिए हमें घर के बगीचे में या बालकनी में पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए, पानी रखना चाहिए और हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। हमें सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, कभी भी किसी पशु पक्षी को नहीं मारना चाहिए। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ ये पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तब तक आप सेफ और सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। डियर स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर होमवर्क। प्यारे बच्चों, गृह कार्य में पाठ का अध्ययन करें व कठिन शब्द और शब्दार्थ पूर्ण करें। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ एट होम एंड गॉड ब्लेस यू।